बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करना है। सो चैप्टर नंबर 3 जो है वो लॉगरिथम के बारे में है। सबसे पहले हम लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज्मी ने फर्स्ट लॉगरिथम का आइडिया दे दिया। फिर 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर ने बेस ई के साथ जो है लॉगरिथमिक टेबल्स जो है वो प्रिपेयर किए, जॉन नेपियर ने बेस ई के साथ। और इसके वर्क को जो है बेस 10 के साथ एक्सटेंड किया हेनरी ब्रिग्स ने। मैं आगे जाके इसको डिटेल में लिख देता हूँ, ठीक है। जॉन नेपियर ने बेस ई के साथ लॉगरिथमिक टेबल्स बनाए और फिर जो है हेनरी ब्रिग्स ने लॉगरिथमिक बेस 10 के साथ बनाए। एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स जो है जॉब्स्ट बुर्गी ने जो है 1620 आफ्टर डिपार्चर जो है उसने बनाया। तो देखते हैं कि ये लॉगरिथमिक टेबल्स या जो है आपने जॉन नेपियर को भी कंप्यूटर के अंदर में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया हो जी। आपको ये टेबल बोर्ड नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो आइडिया लॉगरिथम का दिया किसने, अल ख्वारिज्मी ने। ठीक है, ये आइडिया दिया। और सबसे पहले जो है लॉग टेबल्स जो बनाए, लॉग टेबल्स विद बेस ई, ठीक है, वो बनाए किस साइंटिस्ट ने, जॉन नेपियर ने। जी इसके बाद जो है लॉगरिथमिक टेबल विद बेस 10 वो किस साइंटिस्ट ने बनाया, वो साइंटिस्ट का नाम है हेनरी ब्रिग्स। सो हेनरी ब्रिग्स का जो जॉन नेपियर का वर्क था वो हेनरी ब्रिग्स ने एक्सटेंड किया। लॉग इस तरह लिखते हैं लॉगरिथम को, लॉग बेस ई जो कि एलएन भी कहलाता है नेचुरल लॉग, और लॉग बेस 10 यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट्स मीन लॉग 10 है, ठीक है। थर्ड एंटी लॉगरिथम, ठीक है, एंटी लॉगरिथम का जो भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में एंटी लॉगरिथम, सो इस ये किस साइंटिस्ट ने जो है वर्क किया, द हिज नेम वाज जॉब्स्ट बुर्गी, ठीक है। तो ये वो साइंटिस्ट के नेम थे जिन्होंने लॉगरिथम के बारे में फर्स्ट आइडिया दिया। मुस्लिम साइंटिस्ट ने जॉन नेपियर ने वर्क किया और इसकी जो डेट है 1620 आफ्टर डिपार्चर। सो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, और हम इसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले साथ साथ बुक को भी फॉलो करेंगे जी। बुक क्या है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं। थ्री पॉइंट वन, फिर आगे हम लॉगरिथम के बारे में भी मज़ीद डिटेल में बात करते हैं, लेकिन चलें साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक 5700। तो 5700 को हम जो है लिखेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। 5700 इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि शिफ्टिंग द पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट।
तो मैंने कितने डिजिट को जंप किया है, 3 डिजिट को, सो आई विल राइट 5.7। पॉइंट को आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, 5 के बाद, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद शिफ्ट किया है, तो एंटी क्लॉक वाइज मूव किया है, चूँकि एंटी क्लॉक वाइज है तो प्लस होगा, 10^+3। इसी तरह मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, ये तो फर्स्ट पार्ट खुद से मैंने आपको नंबर दे देता हूँ, 0.00067। नाउ शिफ्ट दिस पॉइंट, 1, 2, 3, 4 आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो 6 के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, सो यू विल राइट 6.7 × −4। ठीक है, तो हमने −4 इसलिए लिखा है कि ये एंड क्लॉक वाइज है, सो क्लॉक वाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव। ठीक है, क्लॉक वाइज नेगेटिव। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सी क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। आपने इन्हीं नंबर्स को जो है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट देखें, 6 × 10^-4। सो गोइंग टू द ब्लैक बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 6 × 10^-4। अब इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, दिस इज इन द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, 10^ में लिखा हुआ है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। ऑर्डिनरी फॉर्म क्या है? डेसिमल फॉर्म। राइट इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब है डेसिमल फॉर्म। सो लुक एट हियर, यू वी विल शिफ्ट द पॉइंट, ये नेगेटिव है तो आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस में राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, यहाँ 0, इधर पॉजिटिव। ठीक है, और इधर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ से पॉइंट शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4। सो इट्स मीन कि 4 यहाँ पॉइंट आ गया है और यहाँ पर ज़ीरोज़ आ जाएंगी, हर जो है एक एक ज़ीरो आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 4 पे पॉइंट आया। कितने डिजिट जब किए हैं? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है। एक ज़ीरो यहाँ पर जस्ट पॉइंट के लिए लगाएंगे कि ये 0 पॉइंट है, तो बस पॉइंट को शो करने के लिए 0, ऐसे ना हो कि पॉइंट को लोग अंडर एस्टिमेट कर दें, भूल जाए। ठीक है, सो दिस इज़ द वे। एक और पार्ट कर लेते हैं 3.1 का। हमारे पास है 7.865 × 10^8, 7.865। फोर्थ पार्ट 7.865 × 10^8। सो आई विल शिफ्ट, ये पॉजिटिव है तो 7.865, पॉइंट को 10^8 है, तो मैंने पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर फर्स्ट पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव इस तरफ है। ठीक है, तो इस साइड पे शिफ्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितनी जीरोस आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 3 डिजिट्स ये थे, 5 जीरोस आ गए, इधर पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा अब? कैंसिल। तो यू विल राइट 7, 8, 6, 5 and 5 zeros। दिस इज द आंसर। यहाँ पॉइंट लिखें ना लिखें, एक ही बात होती है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी, जिसमें से मैंने क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब हम 3.2 करेंगे, जहाँ पर लॉगरिथम का ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा।
लेकिन आपने इन फोर साइंटिस्ट के नेम, जिनको जो है मैंने आपको स्टार्ट में उनका आइडिया दिया, एमसीक्यूज के लिए ज़रूर याद करना है कि लॉगरिथम का आइडिया किसने दिया। अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज्मी, लॉगरिथमिक टेबल विद बेस ई का लॉग बेस ई, जिसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं और एल एन भी लिखते हैं उसको, स्मॉल एल और एन लिख देते हैं, जॉन नेपियर ने दिया। फिर लॉगरिथमिक टेबल विद बेस 10, जिसको कॉमन लॉग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन लॉग, हेनरी ब्रिग्स ने दिया। और एंटी लॉग का जो है टेबल जो है जॉब्स्ट बुर्गी ने दिया। ये टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है, तो ये टेबल आपकी बुक के बिल्कुल एंड पर दो पेज होंगे, वहाँ पर भी इसकी टेबल लॉगरिथमिक टेबल और एंटी लॉगरिथमिक टेबल बने होंगे। ठीक है, थैंक यू एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।